संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन मेदुसा का बेड़ा में और नवशास्त्रीवाद के अंदर तिरछी लाइनों के द्वारा, तिरछी आकृतियों के द्वारा एक चित्र के अंदर एक वेग को, एक आवेग को उन्होंने स्पष्ट करने का भी काफ़ी प्रयास किया। और अगर आप मेदुसा का बेड़े का चित्र आप नेट पर सर्च कीजिए जेरिको के नाम से, तो आपके सामने उस चित्र की पूरी एक परिस्थितियाँ प्रस्तुत हो जाएगी। तो आप देखोगे कि जो उनके जो जो व्यक्ति जीवित बच गए थे, या जो कोई रुग्ण अवस्था में है, कोई पानी में जैसे गिरा हुआ है, कोई किसी को एक सहारा दे रहा है, और उनके शरीर में नीलापन आने लग गया है, और आँखों में आँखें फटी सी है, बहुत ही दारुण है, बहुत ही करुणा और उस तरह का ये विषय लेकर उन्होंने चित्रित किया। और जब इस चित्र को जेरिको ने समाज के सामने प्रस्तुत किया, प्रदर्शनी में रखा आया, तो वहाँ के कला समीक्षकों ने, चित्रकारों ने बहुत आलोचना की। आलोचना होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि नए कला सिद्धांतों को लेकर उन्होंने ये अपना चित्र बनाया और उसके लिए उन्होंने जी जान लगाई, तो उसके पीछे वो अडिग भी रहे। लेकिन जब कला समीक्षकों ने, चित्रकारों ने उसका बड़ी कटु आलोचना की, हालांकि पब्लिक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ उस चित्र को देखने के लिए उमड़ी थी और उसकी सराहना भी हुई, लेकिन जब चित्रकारों ने और कलाकारों ने उसकी इतनी आलोचना की, तो उससे वो काफ़ी व्यथित भी हुए। व्यथित होकर वो इंग्लैंड चले गए वहाँ से, और इंग्लैंड जाकर उन्होंने कार्य किया। तो इंग्लैंड में तो ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार हिरोशिया का प्रण नवशास्त्रवाद की जो जागदारी का चित्र था, उतनी ही महत्ता का चित्र भी था मेदुसा का बेड़ा, जो जेरिको ने रोमांसवाद की प्रेरणा से, रोमांसवाद के स्थापना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब जो अपन ने पहले चर्चा की कि रोमांसवादी चित्रकला के अंदर ऐसी क्या विशेषता थी जिससे वो रोमांसवादी हो गए, वो सारी विशेषताएं इस चित्र में आपको पिरोई हुई मिलेगी। तो ये एक तरह से रोमांसवाद का प्रतिनिधि, क्या कहते हैं, चित्र माना जा सकता है। क्यों? चमकीले रंगों का प्रयोग हुआ है, लयपूर्ण रेखांकन है, संयोजन में बहुत ही दूर दृश्य लघुता का चित्रण हुआ है, पास आती हुई चीज, दूरदृश्य लघुता। दूरदृश्य लघुता का मतलब क्या हुआ? एक तो स्थितिजन्य लघुता हुई, और दूरदृश्य लघुता हुई। स्थितिजन्य लघुता तो फोर शॉर्ट नहीं हो गई, और कोई चीज़ जाती हुई, दूर जाती हुई, छोटी दिखाई देती है, उसमें लघुता आ जाती है, उसका भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसका प्रयोग किया है। संतुलन है, लय, क्या कहते हैं उसको, संतुलन का मतलब हो गया बैलेंस, बैलेंस, और इन सब का जो प्रयोग वो करते थे। हालांकि अगर नवशास्त्रीयवाद और यथार्थवाद में करें तो भी इनका ही प्रयोग होगा, लेकिन पर्सपेक्टिव अगर उसमें है तो उसमें भी उतना ही पर्सपेक्टिव, दूर जाती हुई चीज़ उसमें भी छोटी दिखाई देगी, या मान लो संतुलन उनमें भी वो रखेंगे। और लेकिन इस रोमांसवादियों में इसमें इन सब का थोड़ा सा अतिरंजित रूप प्रयोग किया, यानी हल्का सा इनको एक्स्ट्रा लार्ज करके, इसका एक्स्ट्रा इफेक्ट डालकर उसे चित्र के अंदर डाला, जिससे चित्र के अंदर जो एक तार्किकता थी, एक गणितीय उसमें स्वरूप था, वो थोड़ा सा विखंडित हुआ, और उसमें लयात्मकता, भावात्मक रस, करुण रस, भावात्मकता, करुण रस तो चलो विषय के अनुसार करुण है, कहीं पे नहीं भी होगा, रोमांटिक भी होगा, तो उस भाव में भाव उभर कर आया, यानी तार्किकता खत्म हो गई, उसकी कैलकुलेटिव थ्योरी खत्म हो गई, सिमेट्रिकल वो कम ही प्रयोग में लेते थे, तो जो स्थिरता थी वो भी खत्म हो गई। तो चित्र में थोड़ा सा कलर की वजह से चंचलता आई, चटकीलापन आया, कुछ रेखाओं जैसे तिरछी रेखाओं का उन्होंने प्रयोग किया, उस वजह से उसमें एक रिदम पैदा हुई, और जो पुराना पैटर्न था एकदम स्थिरता का वो टूटा। तो रोमांसवाद को लेकर और भी जो चित्रकार आ गए, एल ग्रेकोर वगैरह अपन पढ़ेंगे, तो
तो उनमें भी काफ़ी कुछ अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रतिभाशाली जो चित्रकार थे थियोडोर जरीका, बहुत कम जीवन काल लेके आए थे, लेकिन इन्होंने जो रोमांसवाद के स्थापना में, रोमांसवाद के अनुकूल परिस्थितियां बनाने में, चित्रकारों को जोड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो अपने आप में बहुत प्रभावी ढंग से थी। और जब ये इंग्लैंड चले गए, तो इंग्लैंड जाने के बाद में वहाँ के जो भूदृश्य चित्रकार थे, लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, कांस्टेबल, इंग्लैंड के जो बड़े लैंडस्केप आर्टिस्ट का बड़ा नाम है, एक टर्नर, एक कांस्टेबल, तो ये कांस्टेबल के चित्रों से काफ़ी प्रभावित हुए। तो वहाँ जाकर उन्होंने प्रकृति के समीप रहने, क्योंकि कांस्टेबल स्वयं एक दृश्य चित्रकार था और प्रकृति के विभिन्न आयामों को लेकर बहुत काम किया उन्होंने, तो उन्होंने उनके चित्रों को देखा और उस चित्रों से प्रेरणा पाकर इन्होंने भी काफ़ी प्राकृतिक चित्रों को लेकर भी काम किया। जैसे लैंडस्केप बनाने के साथ साथ में घोड़ों का चित्रण भी काफ़ी किया, जानवरों को, अब जहाँ लैंडस्केपिंग होगी वहाँ जानवर वगैरह तो होते ही हैं, तो उन जानवरों को लेकर भी भूदृश्य चित्रण को जीवंत बनाने का कार्य इन्होंने किया। और कांस्टेबल के जो कलर होते थे, कांस्टेबल जो कलर लगाता था वो थोड़े से डल कलर होते थे, ब्राउनिश होते थे, भूरा कलर जैसे होता ना, ब्राउनिश इफेक्ट ले लिए हुए कलर हुआ करते थे, और उन कलर्स को लेकर कांस्टेबल काम करता था। अब चूंकि ये तो रोमांसवादी थे और इनके कलर की जो प्रेरणा थी वो भूरे, डल और निस्तेज कलर तो हो नहीं सकते, ये ऐसे कलर तो नवशास्त्रीयवाद के भी कलाकारों ने प्रयोग में किए ही थे, इनको तो परिवर्तन करना था। तो और परिवर्तन केवल करना नहीं था, लेकिन वो समय की एक मांग भी थी कि भाई तत्कालीन विषयों को लेकर जीवन में उमंग, उत्साह, प्रेरणा, साहस, रोमांच, इनको लेकर भी काम होना चाहिए, आदमी के मन के जो भाव हैं उसकी भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो उस दृष्टि से ये तो चटक रंग योजना पर काम करते थे, चमकीले रंग भी लगाते थे और कलर के अंदर थोड़ा सा गुलाबीपन भी रहता था। तो इन्होंने वो जो टर्नर थे, नहीं सॉरी टर्नर नहीं, कांस्टेबल थे, उसके जो कलर स्कीम थी उसमें उन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब अपने चित्रों की प्रेरणा तो उन्होंने कांस्टेबल से ली, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो रंगों का जो प्रयोग किया, वो रंगों का प्रयोग उन्होंने रोमांसवादी ढंग से करना शुरू किया। तो कलर के अंदर चमकीले रंग का प्रयोग किया, तो वहाँ भी ये समस्या खड़ी हो गई। इंग्लैंड के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये एक ट्रेडिशन चल रहा है जिसमें कांस्टेबल और टर्नर जो काम कर रहे थे, कांस्टेबल साहिब के जो चित्र हैं कलाकार महोदय के, उनकी जो रंग योजना है उसने एक समाज के अंदर काफ़ी अच्छी स्थिति बना रखी थी, लोगों को वो पसंद थे, उनके लिए कलाकारों, अन्य कलाकारों और कला समीक्षकों के लिए उनके प्रति सद्भावना भी थी, उस कला के प्रति वो प्रशंसा का भाव भी रखते थे। जब उन्होंने इन विषयों को, विषय ठीक वैसे ही थे जैसे कांस्टेबल के थे, लैंडस्केपिंग थे, जानवर थे, घोड़े थे, उन विषयों को लेकर जो चित्रण किया है भूदृश्य का, लेकिन जो कलर में चटकीलापन ले आए, चमकीलापन ले आए, कुछ कलर ब्राइट्स लगाने लग गए, तो एक नई प्रारूप के अंदर वहाँ चित्र उभर कर सामने आने लगे जेरिको के। तो वहाँ के लोगों को अकस्मात उससे आत्मसात करना संभव नहीं हुआ, तो उनका काफ़ी विरोध वहाँ पर भी होने लगा। लेकिन उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया, वो उस प्रेरणा को लेकर काम करते रहे। उन्होंने हालांकि कलाकार मन से भावुक होता है तो विचलन तो आता ही है किसी से आलोचना का, लेकिन उन्होंने अपने काम को निरंतर जारी रखा और प्रकृति के अनेक विषयों के चित्र बनाए, जैसे जंगल, घास, खेतों के चित्र और समुद्र के जैसे झील, उसमें आसपास लोगों को खड़े हुए, और काफ़ी ऐसे चित्र जो प्रकृति से जुड़े हुए चित्र थे उनको लेकर उन्होंने काफ़ी काम किया। और चूंकि वो
शुरुआत में उन्होंने जैसे मेदुसा का बेड़ा बनाया तो वो भाव और करुणामय विषयों को लेकर काफ़ी संवेदनशील थे, दर्द और दुख और करुणा को लेकर। हालांकि ये भाव अभिव्यंजनावादियों का है जिसमें अभिव्यक्ति दुख की अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। रोमांसवाद तो साहसिक रोमांचक घटनाओं को लेकर, चंचलता उच्छृंखलता ऐसे विषयों को लेकर रोमांसवाद अपना परिभाषित करता है। लेकिन चूंकि जेरिको ने जैसे मेदुसा का बेड़ा बनाया तो उनकी एकाग्रता एक आत्मीयता उस प्रकार के विषय के प्रति भी सामने उभर कर आई। तो जैसे अब मन के अंदर जैसे काफ़ी कुछ ऐसा घटता है जिसको लेकर वो उद्वेलित भी होता है, तो उन्होंने जो मेदुसा के बेड़ा के समय जो व्यक्तियों का चित्रण किया, पागलखाने में जाकर या मनो चिकित्सालय में जाकर उन्होंने मानसिक रोगियों के जो चित्र थे उनके स्केचेस बनाए, प्रयास किए, वैसे ही उनका फ्रांस के अंदर पागलखाने में जाकर चित्रित किया हुआ एक चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उस चित्र का नाम था पागल हत्यारा। तो वो जो चित्र था वो फ्रांस में उन्होंने बनाया, तो वो पागलखाने में ही जाते और वहाँ उस व्यक्ति को देखकर वो उसको चित्रित करते और उसकी जो मनोदशा थी उस मनोदशा को उस चित्र में अंकित करने के लिए उस व्यक्ति के साथ में वो काफ़ी आत्मीयता रखते थे। उसको बहुत ही सूक्ष्मता से, गहराई से उसका निरीक्षण, उस पर अध्ययन भी करते, और यह चित्र उनका काफ़ी फेमस हुआ। और चूंकि अब वो छोटी सी अवस्था में चले गए थे, 33 साल की उम्र में उनकी घोड़े से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी, लेकिन ये एक ऐसा कलाकार था जो कम समय लेकर आया, लेकिन उसने चित्रकार के दृष्टि से कला के इतिहास में अपनी एक पहचान स्थापित की। और न केवल पहचान स्थापित की, इन्होंने नवशास्त्रीयवाद की पुरातन परंपराओं से कला को खींच कर एक सामान्य जनजीवन के अंदर लेके आए। न केवल सामान्य जनजीवन के अंदर लाए, कला को एक भावात्मक रूप में, एक क्या कहते हैं, स्फूर्ति के रूप में, उत्साह के रूप में, चंचलता के रूप में, एक उल्लास के रूप में कला को प्रस्तुत किया। कलर में जो चटकपन लाए उससे चंचलता उत्पन्न हुई, स्फूर्ति उत्पन्न हुई और मूल रूप से भाव उत्पन्न हुए। अपन ने आरंभ में भी कहा जैसे नवशास्त्रीयवाद की कला का जो आदर्श वाक्य अपन मान सकते हैं कि भाई कला के अपने तर्क होते हैं, यानी कला रैशनल होती है, तो कला को उस ढंग से ही बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें उनकी परंपराओं का पालन हो सके। और उसके लिए जो नवशास्त्रीयवादी जो कला थी उनके आदर्शों को, शास्त्रीयवादी कला जो यूरोप और ग्रीक की थी, इसकी रोम और ग्रीक की थी, उस कला को उन्होंने अपने आदर्श के रूप में नवशास्त्रीयवादियों ने जहाँ अपना कर उसमें एक पूर्ण गांभीर्य प्रस्तुत किया। और चूंकि वो जीते आधुनिक जीवन थे लेकिन उसके जो विषय थे वो रोमन और पौराणिक ग्रंथों को लेकर चित्रित किए जाते थे, तो आधुनिक जीवन के अंदर वो पुरातन जीवन को जी रहे थे। उस मकड़ जाल से रोमांसवादियों ने कला को बाहर निकाल कर एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जिससे कला आम व्यक्ति के ज़्यादा नज़दीक आई और जीवन के उमंग के साथ, घटनाओं और उल्लास के साथ कला को जोड़ने का काम किया और बेहतरीन काम किया। तो मूल रूप से अपन ये मान के चलें कि जो रोमांसवाद की जो कला परंपराएं थी उसके अन्वेषण में, उसकी स्थापना में और उसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में जेरिको का बहुत बड़ा हाथ है। और जेरिको का तो हाथ है ही,
लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे भी बहुत सारे घटक थे जो रोमांसवाद को नवशास्त्रीयवाद से अलग करने की कोशिश में लगे हुए थे। वो था नैसर्गिक जीवन। नैसर्गिक जीवन का मतलब ये हुआ कि जो प्राकृत जीवन जी रहे हैं, तो हमें प्राकृत जीवन जीते हुए, नैसर्गिक जीवन जीते हुए कला को अपने एक सहयोगी के रूप में साथ रखना है, न कि एक आदर्श स्थिति में उसको एक परिभाषित कर कर उसका एक ऐसा स्थान खड़ा कर दें जहाँ आम जन आम आदमी की वहाँ पहुँच ना हो। यानी उस स्थिति में उसके उसके दिल का, उसकी भावनाओं का उसके साथ में कोई संबंध न बैठ सके। तो ये एक ऐसी स्थिति थी और उसने उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जैसे रोमांसवाद का क्या कहना था कि भाई दिल के भी अपने तर्क होते हैं। अपन ने जब पिछले चर्चा में बात की थी कि जो महान दार्शनिक रूसो थे, जो उस जो जाक रूसो, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही तो कहा कि जन्म से कोई चीज़ बुरा नहीं होता। यानी हम नवशास्त्रीयवाद में आदर्श को स्थापित कर रहे हैं और उन आदर्श रूपों को ही महिमा मंडित करते हैं, लेकिन रूसो ने यह कहा कि जन्म से कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, और समाज के अंदर शांति और अच्छाई की स्थापना भी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए मानव को स्वभावतः नैसर्गिक रूप से उसको विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। वह स्वयं उन चीज़ों को समझे और एक स्वाभाविक उसका विकास हो, और स्वाभाविक विकास जहाँ होगा वहाँ एक दबाव के द्वारा आदर्श की स्थापना नहीं होगी, बल्कि एक दिल की भावना से रूप में, यानी भावों के रूप में वो उसके अधिक नज़दीक आएगा और कला को या जीवन को और बेहतर ढंग से जीने का, कला को बनाने का, जीवन को जीने का वो प्रयास करेगा। तो नवशास्त्रीयवाद से कला निकलकर रोमांसवाद के अंदर आती है और उस रोमांसवाद में थियोडोर जेरिको का बहुत बड़ा योगदान है। आज जेरिको के बारे में बात की है, अगले चर्चा के अंदर दूसरे रोमांसवादी कलाकार के बारे में चर्चा करेंगे। और आप भी देखना नेट पर सर्च करके जेरिको का जो ये मेदुसा का बेड़ा है, राफ्ट ऑफ मेदुसा नाम से आप सर्च करेंगे, या थियोडोर जेरिको राफ्ट ऑफ मेदुसा करके सर्च करेंगे, तो वो चित्र निकल कर आएगा। उस चित्र को आप इस दृष्टि से भी देखिएगा कि रोमांसवादी विशेषताएं अपन इसमें कहाँ कहाँ परिभाषित हो रही है, प्रतिलक्षित हो रही है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। और अगली चर्चा में अपन बात करेंगे रोमांसवाद के दूसरे कलाकार के बारे में। धन्यवाद।